कल स्टार्ट होने वाला था पर अब ये हुआ आज ही है क्योंकि आज ही यहाँ पर जो है बरसात पड़ गई है ना मम्मा, कार में बैठते हैं ना। अब हमारे पीछे देख सकते हैं पड़ी हुई है, अरे यार अगर से बाहर निकल गए और फिर से बारिश मुश्किल हो गया। हमारे यहाँ पर जो हमारी पहली बरसात जो है अब आ चुकी है और हम हमारी बरसात को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं और इसके साथ हम कल का व्लॉग आज ही यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन। वैसे तो अभी हम सोएंगे घर जाके स्टूडियो जाकर के वापस क्योंकि वीडियोस की एडिटिंग बाकी है। देख सकते हैं आप एक बार फिर से हमारे यहाँ की पहली बरसात जो है आ चुकी है। वैसे तो सुबह भी कुछ छांटे वांटे पड़े थे हमने सुना, बूंदाबांदी हुई है पर तब मैं तो सो रही थी। इस समय रात के 10 बज रहे हैं और बहुत बढ़िया बारिश हो रही है, इसकी वजह से हम लोग निकले हैं घूमने। यस, हमसे घर में हमारे स्टूडियो में रहा नहीं गया, अभी सारा काम बाकी पड़ा है लेकिन हम निकल पड़े। अरे बड़ा मजा आ रहा है। मैं तो सच फर्स्ट जो बारिश आई है इसको एंजॉय करने के लिए है ना। हाँ, मुझे तो भीगना भी था पर मुझे किसी ने अलाउ नहीं किया। ओह माय गॉड यार कितनी अच्छी लग रही है रोड। ए लाइट बंद करो तुम्हारी, हम दिखाएं हमारे व्यूअर्स को हमारी रोड। बाहर आए हुए थे घूमने के लिए क्योंकि बरसात हो रही है। वैसे तो मैं बाहर निकली क्योंकि मेरे ऊपर बूंदे भी गिर रही हैं और हमने घूमते घूमते मतलब रात हो गई है तो हम सबने ये जो है कुल्फी होती है यहाँ पर माटला कुल्फी कहते हैं ये ली हुई है। तो पहले जाते हैं गाड़ी में जाकर के रिव्यू लेकर के आते हैं कुल्फी कैसी है। तो लेट्स गो। हाय मम्मा। हाय, कैसी है ये? बहुत ही टेस्टी माटला कुल्फी, बारिश में माटला कुल्फी। पापा कैसी है ये? और तू देख सकते हैं थोड़ी सी बरसात के बाद हमारे यहाँ होने वाला चक्का जाम यानी ट्रैफिक। गुजरात में ट्रैफिक को चक्का जाम भी बोलते हैं बट यहाँ की रोड्स जो है काफ़ी ज़्यादा नीट एंड क्लीन है। भाई जॉगिंग कर रहे हैं। नहीं नहीं अंदर बारिश हो रही है, रिमझिम रिमझिम, बहुत ही सुंदर माहौल है। रोड बिल्कुल साफ सुथरी पड़ी हुई है। वैसे भी हमारे अहमदाबाद गुजरात में रोड इतनी क्लीन होती है कि आप उसमें एक छोटा सा भी कचरा डालने से पहले 10 बार सोचेंगे कि मैं यहाँ पर कचरा फेंकूँ कि नहीं फेंकूँ। और ये हकीकत है, कचरा यूँ भी रोड पर नहीं फेंकना चाहिए, गंदगी नहीं करनी चाहिए। और ये मोदी जी के आने के बाद तो हमारा गुजरात अहमदाबाद दुल्हन की तरह सजा हुआ रहता है और उसमें भी ये बारिश, चमकती हुई रोड बहुत सुंदर लग रहा है। अहमदाबाद गुजरात दोस्तों ऐसे भी बिग सिटी है, यहाँ आप घंटों घूमते रहें, पूरा दिन घूमते रहें, समय कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। और हमारे अहमदाबाद की जो प्रजा है यहाँ के लोग घूमने फिरने के खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। आप बाहर निकलेंगे कभी भी दिन हो या रात हो रोड आपको कभी खाली नहीं मिलेगी, हमेशा पब्लिक रोड पर ही रहती है ये सब अपने तो गाइस जैसे कि अभी अभी मैं निकली हुई थी बाहर सामान लेने के लिए, यहाँ पर मुझे मिल गया है छोटी सी चकली, दिख रही होगी आपको इसमें चिड़िया। और ये हमारे यहाँ माहौल है राइट आफ्टर यस्टरडेज रेन। मुझे तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मुझे तो बाहर पता नहीं कैमरे में उतना अच्छा दिख रहा होगा या नहीं, थोड़ी थोड़ी मिट्टी की मतलब खुशबू भी आ रही है और अभी भी थोड़ी 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 बूंदें तो गिर ही रही हैं, थोड़ी थोड़ी बौछार हो ही रही है। मैं थोड़ा सामान लेने के लिए आई हूँ तो फटाफट से मैं सामान ले लूँ, उसके बाद हम फटाफट से स्टूडियो पहुँचते हैं वापस। खड्डा बाजू में खड्डा भी हो गया। तो हो चुकी है इवनिंग और हमें मिल गई है हमारी चाय, दिख रही होगी, दिखाऊंगी सबको कि चाय की चाय, तब फटाफट से चाय पी लें, मम्मा भी उठ गए हैं। तो गाइज इट्स इवनिंग और रेनी डे, वैसे ज़्यादा रेन तो हो नहीं रही बट ये इट इज़ रेनी डे। इससे क्या लेना था? तो हम निकले हुए बाहर घूमने के लिए, हम रहे हैं घूम, वैसे माहौल बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बारिश आना बारिश आना, हाँ इसके तरीके से बारिश आना माहौल है। तो
ये ब्लॉग तो वैसे कल रात से ही शुरू हो गया, बड़ा मज़ा आया। कल रात को भी काफ़ी ज़्यादा बरसात हुई थी, है ना। हम लोग सो गए थे, मतलब लेट ही, लगभग 2:30 बजे के आसपास सोए थे हम, और तो भी काफ़ी तेज़ बरसात हुई थी। तो बस स्टूडियो पर आ चुके हैं वापस। तो काफ़ी टाइम हो गया, चाय वाय तो सब हो गई, अभी बज रहे हैं 10 और अभी वीडियोस की एडिटिंग वगैरह सब स्टार्ट हो गई है। और डिनर तो अभी किसी ने लिया नहीं है, बिकॉज वीडियोस काफ़ी ज़्यादा हैं और एडिटिंग में भी टाइम लगेगा। तो डिनर तो भी हमारा कुछ नक्की भी नहीं है, बहुत लेट हो शायद तक। तो अब हम सोच रहे हैं कि ब्लॉग को यहीं पर एंड कर दें, बिकॉज अब सब लोग बहुत ज़्यादा बिजी होने वाले हैं। तो हम इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे। जाने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, एंड तक जरूर देखें। अगर देख रहे होंगे तो अभी तक आपको हमारी स्पीच भी सुनने को मिल रही होगी। तो अब हम इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।